दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ग्रीस है और मोबिल है, ये दोनों आपस में मिक्स कर रहे हैं। अभी मैं आगे फिर आपको दिखाऊंगा, मिक्स करने के बाद बताता हूं इसका क्या काम है। देख सकते हैं अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। आपको मोबिल और ग्रीस ऐसे लेकर अच्छे से मिक्स कराना है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ इसको लगाना है। देख सकते हैं इसको अच्छे से फेंट रहे हैं, मिला रहे हैं। तो आप लोग ऐसे मिलवाइए फेंटवाइए अच्छे से, मोबिल और ग्रीस ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे। अब आगे मैं दिखाता हूँ, अभी ये पोतने चलेंगे डिजाइन पे, तो दिखाता हूँ और बताता भी हूँ आगे का प्रोसेस। देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग जब भी डिजाइन बनवाएं, ये मोबिल है और ग्रीस है, जो कि मार्केट में आपको हार्डवेयर दुकान पर ग्रीस भी मिल जाएगा और रिपेयरिंग की दुकान पर दो पहिया चार पहिया रिपेयरिंग दुकान पर आपको मोबिल भी मिल जाएगा। नहीं लेते हैं तो 100 रुपये 80 रुपये 90 रुपये लीटर जो है आपको नया मोबिल मिल जाएगा, जैसा देख सकते हैं। तो आप इसमें पोतवा बढ़िया से लगवा देंगे तो होगा क्या कि जब आप इस पर ढलाई करेंगे तो मसाला इस पर पकड़ नहीं रखेगा और आपकी डिजाइन एकदम अच्छे से खुल कर निखरेगी सामने। अगर ऐसा आप नहीं कराते हैं, मोबिल ग्रीस नहीं लगवाते हैं, तो बाद में जो है बड़ी दिक्कत होती है, छोड़ता नहीं है। तो इसलिए जो है जब भी आप लोग मोल्डिंग डिजाइन बनवाएं या कोई भी डिजाइन बनवाएं, तो इसमें जो है मोबिल और ग्रीस दोनों को आपस में मिक्स करके, जैसा कभी दिखाया मैंने, मिक्स करके उसके बाद इस पर जो है अच्छे से लगवाएँ। जैसा देख सकते हैं लगा रहे हैं भैया, तो आप लोग ऐसा करा देंगे तो इससे होगा क्या कि बाद में ये अच्छे छोड़ देगा ढलाई के बाद, जब आपका भोला खुलेगा या शटरिंग खुलेगा तो अच्छे से छोड़ देगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग, जब भी कोई डिजाइन छत की डिजाइन बनाएं या फिर छज्जे की डिजाइन बनाएं या फिर जंगले की डिजाइन बनाएं, कहीं भी डिजाइन बनाएं या दरवाजे पर, तो आप लोग मोबिल और ग्रीस आपस में मिक्स करके और अच्छे से पोतवाएँगे, जैसा कि ये भैया पोत रहे हैं। ऐसे अगर आप लगवा देंगे तो यह जो है छोड़ने में बड़ी आसानी हो जाती है, इससे आराम से पूरा छूट जाता है और शाइनिंग भी अच्छी आती है। और लोग लगा देते थे पहले ग्रीस, गोबर, मिट्टी, ये सब स्क्रैच भी आ जाता है और शाइनिंग भी नहीं आता। तो इसलिए जो है ग्रीस और मोबिल आप लोग लगवाएंगे तो अच्छे से छोड़ेगा और अच्छे से जो है आपकी डिजाइन निकल जाएगी बाहर। अगर आप इसे नहीं लगवाते हैं तो होगा क्या कि मसाला इसमें पकड़ लेगा, फिर छोड़ेगा नहीं। तो ऐसा आप लोग को बढ़िया से लगवा दें। देख सकते हैं जैसा कि लग गया है। अब उसके बाद हमारा जाल इधर रखा है, कुछ लोग कहेंगे जाल नहीं बना है, तो जाल हमारा बना है, इधर रखा है। अभी जो है ये जाल इसमें फंसा दिया जाएगा, जैसे कि मैं आगे का दिखा दूँ, आगे भी जाल बना हुआ है, सब कुछ रेडी है, अभी उसमें नहीं पोता गया है। तो वो भी जाल बन चुका है तो उसको हटा कर अभी जो है उसमें भी पोता जाएगा। इसी तरह हमारा पांचों जंगला तैयार है, जाल वाल बना है, दिखा दूं आगे, देख सकते हैं उधर भी जाल पूरा बना है हर जंगले पे। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये टाई बीम लगा है, तो आप लोग ये बीम ज़रूर लगवाएंगे जंगले पर। हमेशा ध्यान देंगे, जंगला हो, दरवाज़ा हो, कुछ भी हो, नीनार झाँप अकेले नहीं ढालेंगे, जब भी लगाएंगे ये टाई बीम लगा कर तभी लगाएंगे, ताकि लोड जो है बट जाए इसका, नहीं तो बीच में लोड जब दबेगा तो पूरा चौखट पे आ जाएगा, तो बाद में ये ऐठ जाएगी, बरस जाएगी। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग।